नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी ट्यूटर पे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 कक्षा 1 के विषय हिंदी की किताब सारंगी से। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 16 आनंदमयी कविता। जन्मदिवस पर पेड़ लगाओ, जन्मदिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्मदिवस पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। राजा चौरसिया। बातचीत के लिए, आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? तो आपको बताना है आपका जन्मदिन कौन से दिन आता है, वह आपको लिखना है। आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं? हम अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाते हैं, केक काटते हैं और सबको बांटते हैं और खूब मजे करते हैं। कविता में जन्मदिन पर क्या करने के लिए कहा गया है? कविता में जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। क्या होता अगर सभी अपने जन्मदिवस पर पेड़ लगाते? अगर सभी अपने जन्मदिवस पर पेड़ लगाएं तो कभी भी हमें पेड़ों की कमी महसूस नहीं होगी और हर जगह पेड़ों से हरा भरा रहेगा। सभी जन्मदिवस पर स्वच्छता के कार्य करते? अगर सभी जन्मदिवस पर स्वच्छता के कार्य करें तो हर जगह स्वच्छता रहेगी। खोजें, जानें, पता कीजिए और लिखिए कि इनका जन्मदिन कब आता है। तो आपको बताना है दादाजी का जन्मदिन कब आता है, नाना जी का, दादी जी का, नानी जी का और आपके दोस्तों का। शब्दों का खेल, समान लय वाले शब्द खोजकर लिखिए। जैसे फल का होता है जल, माता का आप लिख सकते हो भ्राता, वैसे ही आपको फूल और हरियाली का लिखना है। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। माली ने धरती में बीज बोया, बड़े प्यार से उसमें जल डाला, छोटा सा नन्ना सा पौधा उग गया। पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए। जैसे कि नीम, नीम का पेड़ होता है, इमली, इमली का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बेर का पेड़, अशोक का पेड़। अपने घर के आसपास के चार पेड़ों के नाम लिखिए। तो आपके घर के आसपास जो चार पेड़ हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। चित्रकारी, अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ पे अपनी पसंद का फूल बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो हमारा अध्याय 16 पूर्ण होता है, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।